कर्क राशि वालों के लिए करियर की दृष्टि से ये महीना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। इस महीने आपके लिए बहुत अनुकूल है। देव गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिसके लिए जिस देव गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिससे आपको वो बहुत सक्सेस दिलाएंगे। मंगल के 10वें भाव से 10वें भाव अर्थात 7वें भाव में उच्च राशि में होने से आप अपनी नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं 15 मार्च से। लेकिन मंगल जब कुंभ राशि में आपके 8वें में आएंगे तो आपको करियर में भी चुनौती देंगे और आपके घर में खर्चों में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत अनुकूल रहने जा वाला है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ बुध सूर्य और शनि 8वें भाव में आपके खर्चे में बढ़ोतरी करेंगे, आपको बहुत संभल के रहना होगा। किसी भी तरह व्यावसायिक निवेश से इस महीने आपको बचना होगा। हालांकि मंगल चूंकि 8वें में रह के आपके एकादश और दूसरे भाव को देखेंगे तो हो सकता है थोड़े धन आपको अप्रत्याशित रूप से मिल जाए, लेकिन आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और अगर करते हैं तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से ही करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय स्वास्थ्य बहुत अच्छा तो नहीं जाने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र के 7वें भाव में और शुक्र शनि बुध के 8वें भाव में होने की वजह से आपको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी छोटी समस्या को आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। थोड़ा मेडिटेशन और एक अच्छी नींद, स्ट्रेस फ्री रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेम और वैवाहिक संबंध की बात की जाए तो ये प्रेम और वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। 7वें भाव में उच्च के मंगल आपको 5वें भाव के जो स्वामी हैं आपको प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा दे सकते हैं। वैवाहिक जातकों के लिए भी ये महीना अच्छा जाने वाला है। पूरा महीना आपका रोमांस और प्यार से बीतेगा। हालांकि 15 मार्च के बाद मंगल आपके 8वें भाव में आएंगे तो आपको ससुराल पक्ष से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। पारिवारिक दृष्टि से भी ये महीना आपका अनुकूल है, लेकिन शनि सूर्य बुध महीने की शुरुआत में 8वें भाव में रह के दूसरे भाव को देखेंगे और मंगल 15 मार्च तक 7वें भाव में और फिर 8वें भाव से द्वितीय भाव में देखेंगे। इसलिए आपके परिवार के साथ कहासुनी, झगड़े, परेशानियाँ सब बढ़ा सकते हैं। उस समय आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। एक मत्स्य सूक्त का पाठ आपके लिए उस समय अच्छा रहेगा। इस महीने अगर आप शनि के दान करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं, पीपल की परिक्रमा 108 करते हैं, बुधवार के दिन राहु का दान करते हैं, काले तिलों का दान, काले कपड़ों का दान करते हैं और अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नमः शिवाय।